नमस्कार दोस्तों, सहारा इंडिया न्यूज़ के लिए एक बड़ी खबर और बहुत ही बड़ी खुशखबरी सरकार की तरफ से आ रही है। मैं अमित आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका पैसा सहारा इंडिया के अलावा किसी चिट फंड कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसा हुआ है तो उसकी भी अब वापसी होने लगी है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि अब इन चिट फंड कंपनियों से भी होगी रकम की वापसी। क्या आपका भी पैसा फंसा है इन चिट फंड कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटों में? वह दूसरे आर्टिकल पे हम देख सकते हैं कि सहारा इंडिया ने इन सभी निवेशकों का पैसा हुआ वापस जाने कैसे। चिट फंड कंपनी पे कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन की ओर से निवेशकों को उनकी राशि लौटाई जा रही है। जहां पे बहुत सारे निवेशकों का पैसा सहारा में फंसा हुआ था, बहुत सारे निवेशकों को उनको पता ही नहीं था कि उनका पैसा सहारा में जमा है या किसी चिट फंड कंपनी में या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो ऐसे में सहारा ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि किसी चिट फंड कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी का ठेका सहारा नहीं लेगा, ना उसका पैसा किसी को रिफंड करेगा। तो ऐसे में सरकार को खुद आगे आना पड़ा है और जिनका पैसा चिट फंड कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा है उनका पैसा अब वापस होने लगा है। तो करना क्या है कि सीधा कोर्ट का आदेश है कि अगर आपका पैसा सहारा के अलावा किसी चिट फंड कंपनी या सहारा के नाम पर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाना जमा है तो आपको अपने जिला अधिकारी के पास जाना है, अपने कलेक्टर के पास जाना है, अपने डीएम के पास जाना है। वहां पे जाके अपने चिट फंड कंपनी में जितने आपका पैसा जमा है उसके विरुद्ध शिकायत दर्ज करवानी है, वहां पे सत्यापन करवाना है, वहां पे अपने जुड़े सहारा से जुड़े जितने भी डॉक्यूमेंट आपने सहारा में समझ के जितने भी पैसे अब तक इन चिट फंड कंपनियों और कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा किए तो उससे सारे जुड़े दस्तावेज उनके समक्ष प्रस्तुत करने और उनके खिलाफ एक एप्लीकेशन लिख के आपको एक शिकायत पत्र एक लिख के आपको देनी है सरकार को, मतलब डीएम कलेक्टर को, और कहना है कि मेरा पैसा यहाँ से इतने वर्ष तक मैंने यहाँ पे जमा किया है, अब मुझे अपने पैसे की ज़रूरत है, मुझे अपना पैसा चाहिए। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और आपका पैसा आपको लौटाया जाएगा। अब तक बहुत से लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है और बहुत सारे लोगों को पैसा लौटाया जा चुका है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं शासन की इस पहल से ऐसे निवेशक जिन्होंने अपने वर्षों की कमाई राशि खो दी थी अब उन्हें उम्मीद बंधी है। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को सहारा कंपनी से निवेशकों के आवेदन का सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में सहारा कंपनी से सत्यापन के बाद सभी निवेशकों का पैसा विकास खंड से राशि भुगतान का कार्य किया जा रहा है। नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी एसडीएम को अपने अनुविभागों से निवेशकों की संख्या बढ़ाते हुए भुगतान करने के निर्देश दिए गए। सहारा इंडिया के 1772 निवेशकों को 2,30,83,669 रुपये का भुगतान का लक्ष्य जिला प्रशासन द्वारा अब तक सहारा इंडिया के 829 निवेशकों को 47,32,458 रुपये का भुगतान किया जा चुका है। ये भुगतान जिले के अनुसार किया जा रहा है और इस समय छत्तीसगढ़ राज्य में ये भुगतान हो रहा है। तो अगर आपको भी अपना पैसा चाहिए, अगर आपका पैसा सहारा के अलावा किसी चिट फंड कंपनी में या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा है तो आपको अपने डीएम जिला अधिकारी के पास जाना है, वहाँ पर जाकर शिकायत दर्ज करवानी है उस चिट फंड कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और आपको आपका पैसा लौटा दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब तक 357 निवेशकों को 28,25,721 रुपये, वहीं दूसरी तहसील में अगर देखा जाए तो 231 निवेशकों को 10,20,669 रुपये, वहीं पे एक अलग तहसील में आप देख सकते हैं कि 201 निवेशकों को 7,71,660 रुपये, वहीं और एक तहसील की यहाँ पे बात की जाए तो 22 निवेशकों को 1,14,000 रुपये का भुगतान किया जा चुका है। यहीं दूसरे आर्टिकल में हम देख सकते हैं कि राजानंद ब्लॉक में अब तक 51,52,118 रुपये का वापस हो चुका है, भुगतान किया जा चुका है चिट फंड कंपनियों पर कार्रवाई करने के बाद। तो अगर आपका भी पैसा सहारा के अलावा किसी चिट फंड कंपनी में है तो आप अपने भुगतान की ये क्लेम कर सकते हैं। ये कोर्ट का ऑर्डर, ये हम नहीं बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा प्रशासन को ऑर्डर दिया है कि वो अपने जितने भी सहारा निवेशकों की शिकायतें हैं उनको सुने और उसके खिलाफ कार्रवाई करें और उस कार्रवाई अंतर्गत जो पैसा आता है वो उनको लौटा दिया जाए पूरे ब्याज के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 सितंबर से पिछले महीने के 20 सितंबर से पैसे वापसी की जो प्रक्रिया थी वो शुरू कर दी गई है और बहुत सारे लोगों को अब तक पैसा लौटा दिया गया है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं कि अब तक कितने लोगों को पैसा लौटाया गया है। डीएम अरुण वर्मा ने बताया है कि बहुत ही जल्द सबका पैसा धीरे धीरे सत्यापन करके लौटा दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका भी पैसा आपको मिल चाहिए तो उसके लिए आपको अपने घर से निकलना है, जिलाधिकारी के पास जाना, सत्यापन करवाना। मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि आपको अपना सत्यापन करवाने के लिए अब सहारा के विरुद्ध ही सत्यापन नहीं करवाना है, आपकी फंड कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी भी पैसा देंगे, जिसका उम्मीद तो था ही नहीं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि अगर आपका पैसा किसी चिट फंड कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसा है तो आपका पैसा नहीं मिलने वाला, लेकिन 1 तारीख को जो कोर्ट का आदेश आया है उसके अनुसार चिट फंड कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी आपका पैसा देना होगा। ये पैसा आपका है, पूरा लीगल है, लीगल तरीके से आपको मिलेगा ब्याज के साथ। उसके खिलाफ चिट फंड कंपनियों के खिलाफ आप कार्रवाई होगी। अगर आप शिकायत करते हैं तो, शिकायत नहीं करते तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर आप शिकायत करते हैं अपना पैसा चाहते हैं तो जाइए
शिकायत करिए, अपने दस्तावेज दिखाइए और एक शिकायत पत्र लिख के दीजिए अपने DM या कलेक्टर या उच्च जिला अधिकारी को। उसके बाद आपकी शिकायत के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और आपका पैसा आपको दे दिया जाएगा। इसी तरह से सारा की सारी जुड़ी खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरों को भी पता चले कि वो अपना पैसा कैसे निकालें। और सहारा से जुड़ी सारी अपडेट पाते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।